फेमस टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं, अभीरा से मनीषा चाची मिलने के लिए जाएगी। दरअसल अभीरा को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, अभीरा को काफ़ी बुरा लग रहा है ये सोच सोच कर कि उसकी वजह से अरमान अपने रिश्तों से दूर है। काफ़ी दुख हो रहा है अभीरा को ये सोच सोच कर कि उसकी वजह से अरमान सारे रिश्तों से दूर होता जा रहा है। और यहाँ दूसरी तरफ अब मनीषा चाची अभीरा को रियलिटी चेक देने वाली हैं। भाई मनीषा चाची अभीरा से कहेंगी कि जिस अरमान को लेकर वो ये सोच रही है कि वो अपने रिश्ते खोता जा रहा है, असल में ये रिश्ते कभी अरमान के थे ही नहीं, इन रिश्तों ने कभी अरमान को अपना समझा ही नहीं। शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे ढेर सारे हाई वोल्टेज ड्रामे जहां मनीषा चाची अभीरा को बताएंगी कि इन रिश्तों ने अरमान को कभी अपना नहीं माना, इन रिश्तों ने कभी अरमान का साथ नहीं दिया। तुम जिस विद्या जेठानी सा की बात कर रही हो, उन्होंने तो खुद ही कभी अरमान को अपना बेटा नहीं माना, सिर्फ और सिर्फ अरमान को उम्मीदें दी हैं, सिर्फ और सिर्फ अरमान से कुर्बानियाँ ली हैं। रियलिटी चेक यहाँ पर देने वाली है सीधे सीधे मनीषा अभीरा को, अभीरा से कहने वाली हैं कि परिवार के ये लोग हैं काफ़ी ज़्यादा मतलबी, जिन्होंने हमेशा अरमान से कुर्बानियाँ दिलवाई हैं। जेठानी सा नहीं बल्कि अरमान की असली माँ ही थी जो उससे प्यार करती थी, और वो मर गई तो जेठानी सा के अंदर जो अरमान को लेकर प्यार था वो प्यार भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया। यहाँ पर अभीरा को मनीषा समझाएगी और कहेगी कि औरों की खातिर अपने प्यार की कुर्बानी ना दे, औरों की वजह से अपने प्यार का गला ना घोटे। अब अभीरा पर मनीषा चाची सा की बात का क्या असर पड़ता है, चाची सा की बात मानकर अब अभीरा क्या करती है, शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना होगा।